लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ऑफ एक्सरसाइज थ्री ई दैट इज लीन ए क्वेश्चन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ऑन सेलिंग अ टी सेट ऑन फाइव परसेंट लॉस टी सेट को पाँच परसेंट लॉस में बेचने के बाद एंड अ लेमन सेट एट फिफ्टीन परसेंट गेंस और लेमन सेट को फिफ्टीन परसेंट गेन के बेचने के बाद अ करॉकरी सेलर गेंस रुपीज फाइव क्रॉकरी सेलर को सात रुपये का प्रॉफिट हुआ फ ही सेल्स द टी सेट एट फाइव परसेंट गेंद अगर वो टी सेट पाँच परसेंट गेन पे बेचता है एंड द लेमन सेट एट टेन परसेंट गेंद और लेमन सेट को टेन परसेंट गेन पे बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है थर्टीन रुपीज का फाइन द एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच ऑफ द टी सेट एंड द लेमन सेट हमें एक्चुअल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस निकालनी है टी सेट और लेमन सेट की तो जो चीज निकालनी होती है हम उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइज ऑफ टी सेट इज एक्स टी सेट है इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट प्राइज ऑफ लेमन सेट कॉस्ट प्राइज ऑफ लेमन सेट इज़ वाई रुपीज़ इज़ रुपीज़ वाई राइट अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई लॉस हमें दे रखा है कि लॉस फाइव परसेंट लॉस पे है और लेमन फिफ्टीन परसेंट लॉस पे है राइट इफ़ ही सेल्स एट इतना परसेंट लॉस तो हमें क्या है प्रॉफिट हो रहा है सात रुपये का तो अगर हमें याद है पुरानी क्लासेस में हमारा प्रॉफिट कम निकलता था हमारा गेन निकलता था जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता था कॉस्ट प्राइस से और लॉस निकलता था जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता था सेलिंग प्राइस से राइट अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हम परसेंटेज में निकालें तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता था हमारा हंड्रेड पर प्लस गेन परसेंट अपॉन हंड्रेड into सी पी अब हम निकालेंगे एस पी इन केस ऑफ लॉस तो वो होता था हंड्रेड में से माइनस हो जाता था लॉस परसेंट अपॉन हंड्रेड into सी पी राइट अब टी सेट हमारा लॉस पे गया है फाइव परसेंट तो हंड्रेड में से पाँच परसेंट निकल गया अपॉन हंड्रेड into सी पी कितनी थी हमारी कॉस्ट प्राइज टी सेट की एक्स तो एक्स आ गया राइट right? तो ये कितना आ गया 95 फाइव अपॉन हंड्रेड इन एक्स ये आ गई हमारी एस पी ऑफ टी सेट इसी तरीके से एस पी ऑफ लेमन सेट आ जाएगी तो अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे एस पी निकालते जाएंगे राइट ऑन सेलिंग अ टी सेट ऑफ फाइव परसेंट लॉस एंड लेमन सेट एट फिफ्टीन परसेंट गेन ही गेंस रुपीज सेवन गेन का फॉर्मूला लग रहा है गेन कर रहा है सात रुपये तो सेवन गेन का फॉर्मूला क्या होता था गेन का फॉर्मूला होता था मैंने इधर साइड में बताया हुआ है एस पी माइनस सी पी राइट एस पी कैसे निकला हमारा एस पी ये टी सेट का था इसी तरीके से हमारा लेमन सेट का निकलेगा तो टी सेट का हमारा आया नाइन्टी फाइव अपॉन हंड्रेड एक्स प्लस लेमन सेट है पंद्रह परसेंट प्रॉफिट पे राइट right? ये ना पंद्रह परसेंट प्रॉफिट पे तो पंद्रह परसेंट प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस क्या आएगा ये ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा गेन वाला राइट right? तो हंड्रेड प्लस फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड इन टू वाई तो ये आया हंड्रेड प्लस फिफ्टीन दैट इज हंड्रेड एंड फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड और लेमन सेट को हमने वाई माना था राइट right? ये दोनों मिला के हमारी आई सेलिंग प्राइस अब कॉस्ट प्राइस कितनी थी दोनों की उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी है कॉस्ट प्राइस को हमने लेट किया था दोनों की तो हम दोनों की सेलिंग प्राइस में से दोनों की कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तभी हमारा गेन आ रहा है सात रुपये का तो गेन के नीचे लिख दिया सेवन रुपीज़ एक बार और बता रही हूँ ये हमारा है एस का फॉर्मूला गेन का ये लॉस का राइट अब हमें टी सेट पर पाँच का लॉस हुआ तो हमारी एस आ गई 95 फाइव अपॉन हंड्रेड इसी तरीके से लेमन सेट पे गेन हुआ तो वो कितना हो गया 100 प्लस फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड इंटू वाई क्योंकि लेमन सेट को हमने वाई माना था तो ये आ गया इन दोनों की सेलिंग प्राइस में से अगर इन दोनों की कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमें गेन हो रहा है सात रुपये का तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसे फिर नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे हंड्रेड आ गया एलसीएम तो ये आया नाइन्टी फाइव एक्स प्लस वन वन फाइव वाई माइनस इन दोनों में हंड्रेड की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो हंड्रेड इन टू एक्स प्लस वाई तो ये कितना आ गया ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो सेवन हंड्रेड इक्वल्स टू नाइन्टी फाइव एक्स प्लस हंड्रेड एंड फिफ्टीन वाई माइनस हंड्रेड एक्स माइनस हंड्रेड वाई देखिए बाहर माइनस है इसलिए इस माइनस की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में होगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे राइट तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 700 इक्वल्स टू एक्स का एक 95 प्लस का है माइनस का हंड्रेड है तो माइनस का 5x एक्स बच गया ऑपोजिट साइन की वजह से अब वाई का देखिए 115 बड़ा है 100 से ऑपोजिट साइन की वजह से तो सबट्रैक्ट हो गया फिफ्टीन वाई तो इसको हम ये की लिख सकते हैं माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड ये हो गई अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए वो कह रहा है इफ he sells the tea set at five percent gain and lemon set at ten percent gain he has a profit of thirteen rupees right तो हम गेन का ही फॉर्मूला रखते हैं क्योंकि गेन हो रहा है उसको गेन थर्टीन रुपीज़ का हो रहा है गेन का फॉर्मूला था एस पी माइनस सी पी राइट गेन थर्टीन रुपीज़ का रहा है कब हो रहा है जब उसका टी सेट पे फाइव परसेंट गेन हो रहा है तो फाइव परसेंट गेंद का मतलब है हंड्रेड प्लस फाइव दैट इज़ हंड्रेड एंड फाइव अपॉन हंड्रेड एस पी का फॉर्मूला बोल रही हूँ साइड बाई साइड और टेक टी सेट को हमने एक्स माना था प्लस इसी तरीके से टेन परसेंट गेन लेमन सेट पे हो रहा है तो ये आया हंड्रेड प्लस टेन इज हंड्रेड एंड टेन अपॉन हंड्रेड और लेमन सेट को हमने वाई माना था माइनस कॉस्ट प्राइस को हमने दोनों के एक्स और वाई माना था उसको माइनस कर दिया अब एल लेंगे सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पे तो हंड्रेड एल सी आया हंड्रेड एंड फाइव एक्स प्लस हंड्रेड एंड तो ये कितना आ गया ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो ये आया थर्टीन हंड्रेड इक्वल्स टू हंड्रेड एंड फाइव एक्स प्लस हंड्रेड एंड टेन वाई माइनस हंड्रेड एक्स माइनस हंड्रेड वाई अब ऑपोजिट साइन है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा टेन वाई ये आ गई अब हमारी सेकेंड इक्वेशन आप दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं पहली इक्वेशन थी माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड ये आई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आई थी फाइव एक्स प्लस टेन वाई टेन वाई इक्वल्स टू थर्टीन हंड्रेड ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे x के कॉपिशन सेम है और साइन भी डिफरेंट है तो कैंसल हो जाएंगे कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो ये कितना आ गया ट्वेंटी फाइव वाई इक्वल्स टू टू थाउजेंड तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फ़ाइव फाइव फाइव ज़ोर ट्वेंटी फाइव फाइव फोर जो ट्वेंटी एंड ज़ीरो ज़ीरो फ़ाइव वन जो फाइव फाइव एट जो फोर्टी तो वाई की वैल्यू आ गई एट्टी तो पुटिंग वाई इक्वल्स टू एट्टी इन इक्वेशन वन तो ये कितना आ गया माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन इंटू एटी इज इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड तो माइनस फाइव एक्स प्लस ये कितना आ गया दैट इज फिफ्टीन इट्स इज वन ट्वेंटी और जीरो इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड कितना आया माइनस का फाइव एक्स इक्ल्स टू सेवन हंड्रेड माइनस का ट्वेल्व हंड्रेड हो गया तो माइनस का फाइव एक्स इक्वल्स टू ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो गए माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो एक्स कितना बच गया फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव दैट इज हंड्रेड तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हंड्रेड अब कॉस्ट प्राइस किसका था ऑफ टी सेट एक्स था दैट इज़ रुपीज़ हंड्रेड आ गया और कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट कितना था वाई लेमन सेट वो आया एट्टी वाई की वैल्यू एट्टी रुपीज़ इज़ द आंसर